बच्चों, आज स्कूल के एनुअल डे पे मैं सबसे यही कहूँगा कि जैसे किताबों से दिमाग का विकास होता है, वैसे ही खेल से शरीर का विकास होता है और हम चुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। हम तो पहले से ही चुस्त और तंदुरुस्त हैं। हाँ, मैं चुस्त और तू तंदुरुस्त। इसीलिए खेलना भी हमारे लिए उतना जरूरी है जितना कि पढ़ना। अब मैं हम सबके योगा गुरु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो मशाल जलाकर इस खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ करें। सबसे पहले है तीन पैरों की दौड़। अरे थोड़ा धीरे चल बदली। नहीं नहीं, सब गड़बड़ हो गया। रेस कैंसिल। दोस्त, स्पोर्ट्स डे की पहली रेस कैंसिल हो गई। मैं तो कहता हूँ सभी रेस कैंसिल हो जाएं। हाँ यार, इससे अच्छा तो हम लोग घर पे बैठकर मेगा रोबोट खेल लेते। तो जाओ, जाकर खेलो। बाकी सबको क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हें क्या पता प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस मतलब वादा, जो मैंने अपने पापा से किया है। कैसा वादा? यही कि मैं सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एक दिन स्पोर्ट्स में भी मेडल लेकर आऊंगा। दोस्त, वो देख, ज्ञान कैसे उदास बैठा है। हाँ, इसने रेस के बाद से कुछ खाया भी नहीं। लगता है इसको मेडल दिलाना ही पड़ेगा। लेकिन मेडल कहाँ से लाएंगे? वो देख, वहाँ है मेडल्स। ज्ञान, ये ले, तेरे पापा का प्रॉमिस। ये कहाँ से लाए? अरे वो सब कुछ छोड़ना, तुझे मेडल चाहिए था ना। बस अब जाके कुछ खा पी ले। मुझे जीता हुआ मेडल चाहिए, कहीं से उठाया हुआ नहीं। इसको मेडल जीतवाना ही पड़ेगा। ये हो गई ज्ञान की जीत पक्की। बहुत बढ़िया। जिस कंसंट्रेशन के साथ ज्ञान पढ़ाई करता है, वही कंसंट्रेशन उसने खेल में भी दिखाया। ललंडा। अरे ये नींबू तो चम्मच पर चिपका हुआ है। सर, मैं ये रेस नहीं जीतता हूँ। कौन बोला? हम अपनी आँखों से देखे हैं कि तुम ही रेस जीते हो। सर, रेस तो जीता हूँ लेकिन चीटिंग से। अरे कोई चीटिंग करके बताता है क्या? सर, मैंने नहीं, किसी ने मेरे साथ की। ये देखिए, मेरे चम्मच पर ग्लू से किसी ने नींबू को चिपका दिया है। ओ, तो ये बात है। ठीक है, ई रेस भी कैंसिल।